ਪਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਨ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜਦ ਨੱਚੇ ਸਾਡਾ ਰੌਨਨ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੱਪਾ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੱਪਾ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜਦ ਨੱਚੇ ਰੌਨਨ ਦਾ ਪੱਪਾ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜਦ ਰੌਨਨ ਦਾ ਪੱਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 That's how he entertains बच्चे और रोनन को पूरा दिन हमारे घर में यही चलता रहता है कभी मैं एंटरटेन कर रही हूँ कभी लक्ष्य एंटरटेन कर रहा होता है अब मैं जा रही हूँ लक्ष्य का खाना बनाने सो गाइस आज है 22 जनवरी जैसे कि आपको पता बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे सनातन धर्म के हिस्ट्री में कि भगवान श्री राम अयोध्या अपने स्थान पे विराजमान हो गए हैं यस आज प्राण प्रतिष्ठा है हमारे यहाँ पर भी एक भगवान श्री राम का तोहफा आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो जी कितना प्यारा ये आया है भगवान श्री राम की ये फोटो एंड ये पूरा जय श्री राम लिख के एक डिजिटल मंदिर आया है भगवान श्री राम ने हमें आज के दिन ब्लेस किया है तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं मतलब जो साल जो चीज़ 500 साल से पेंडिंग थी कितनी इस चीज़ पे कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है इस टॉपिक के बारे में बट स्टिल 500 साल से जो चीज़ नहीं हो रही थी आज नाना नानी आए हैं मिलने रोनन के और रोनन ने आर वाली जैकेट डाली है रोनन इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लाता है तू पापा को भी दिलवा दे यार पापा को भी दिलवा दे आज मैंने नई जैकेट पहनी है नानू नई जैकेट चाप हम मंगवाते हैं शीतू से मगर आज शीतू बना के लाई है तू थोड़ी ना बना के लाई है और सुनो मैं ये भी लाई हूँ साग भी लाई है तू अच्छा ये तो झूठ बोल रही है सब झूठ बोल रही है शीतू शीतू कुछ नहीं बना के लाई है तो ये चाप है राजमा है और साग है आज लंच में और एक और सब्जी है क्या है ये पता नहीं की है बना के लाई है तुझे ही नहीं पता क्या है आलू शिमला मिर्च वाओ जिसमें से शीतू कुछ भी नहीं बना के लाई ये रौनक ने दिया हेलो जी हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू मैं भी खिलाऊं थैंक यू खुश रहो क्या हो गया छोटे भी तो बोल सकते हैं और क्या खुश रहो ऐसी एनिवर्सरी आप मनाते रहो गाइस ये रोनन का बहुत मन कर रहा है केक खाने का ये क्यूटी का हेलो फ्रेंड्स केक खा लो सबसे ज्यादा केक खाया है जीतू ने है ना मासी ने सबसे ज्यादा केक खाया है अब हमारा बच्चा फैल गया हम सुलाओ 2 hours later मैं आज 500 साल बाद मंदिर में राम लल्ला की स्थापना हुई है देख लो और आज एक्चुअली में दिवाली मना रहे लोग देखो सबके घरों में दिए हैं सबके लाइटें लगी हुई हैं मंदिर में अलग ही रौनक है देख रहे हो आप तो आज इसलिए हम भी मंदिर जा रहे हैं हम आज मंदिर जा रहे हैं मैं और लक्ष्य अब हम अपने शतार बच्चे को सुला के आए हैं दादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आए देखना उठना जाए यार बनता है दिवाली में मंदिर देखते मत्था टेकने जाते हैं आज भी तो दिवाली है बिल्कुल मंदिर में कीर्तन हो रहा है देख रहे हो सुनो रोनन भी अगले साल से मंदिर आएगा अपने आप जय करने को दिए से ओम बना रखा है वो सात्विक बना रखा है तब प्यारा लग रहा है स्वास्तिक तेरे से ज्यादा तो मेरे को पता है भगवान के बारे में और क्या कहती है मैं नास्तिक हूं वो मेरे मुंह से गलत तेरे से ज्यादा मुझे पता है लिप ऑफ टंग हो जाता है ये स्ट्रेटजी थी बताया नहीं हमने लॉग में लोगों को लक्ष्य ठंड से बचने के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी धोने से बचने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हम सॉक्स उतार देंगे फिर चप्पल पहन लेंगे आपके पैर ना धोने पड़े देख रू क्या क्या करता है लड़का इतना फनी है ना ये मेरी स्ट्रेटजी से चली हो तू है ना तो मेरी मोमबत्ती तेरी मोमबत्ती भी तो तेरे जैसी है तेरे जैसी नहीं है इतनी हवा में फिर दिए कैसे जलेंगे इनको मोमबत्तियां नहीं जलानी आती ये दिए जलाएंगी
कह रही है अब क्या करना है मंदिर में जाके, मुझसे पूछ रही है। इसको कहती है भगवान अब क्या करना है, कहाँ चलाने हैं, अब क्या करना है। ऐसी अनाड़ी है, तेरे से ज्यादा तो मेरे को आता है मंदिर के बारे में सिस्टम। इन्होंने अपनी जैसी मोमबत्ती दी है इतनी देर में, ढीली मोमबत्ती दी है इन्होंने। देख इनकी देख बुझती है नहीं बुझती, इतनी देर से हम चला रहे हैं, करें तुम्हारी मोमबत्ती बुझ रही है। अब आपकी दादी की बुझती है नहीं बुझती देखो, ये देखो कितनी देर तक चलेगी दादी की मोमबत्ती ये। ओ वाह दादी, ओ हसमन ज्यादा दादी के ऊपर ये थोड़ी मोम, ये देख कितना, अरे पागल है ये दादी के ऊपर दादी के ऊपर हंसी जा रही है। देखो दादी ने क्या हल कर दिया माचिसों का, काम से हवा रुकी हुई सी। दादी ये देखो अभी तो दादी अंदर, एक और ट्राई। दादी ने तिल्ली भी वहां खड़ी है। अरे यार ये देखो कैसे हंस रही है वो, देख दादी अब उस तिल्ली को भी वहां लगा रही है। हाँ भाई अंदर से चला के, चलो जी फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, चलो जी अंदर चलो अंदर। दादी कह रही है हम सारे बंदे जमीन से आए हैं, ये प्रणाम दीवा नहीं दिया, दीवा दीवा। शुक्र है दादी ने दीवा नहीं बोला, एक मिनट रोका जा जल्दी, दीवा नहीं बोला दीवा। तो जाए कितने मिनट वो पूरे वो पर ले जल ले मगड़ी रखो ना आप ये जलाई रह के। चलो चलो जी चलो फाइनली जला साथ कोई, चलो साथ चलो आप मोमबत्ती आराम से। फाइनली फाइनल अटेम्प्ट दिए जला के रखने का, ये रख ले बुझी गए, बहुत तेज हवा चल रही है। ये लो कैंडल भी बस जाने वाली है जाने वाली है जाने वाली। ओए फिर द नेक्स्ट डे बुआ को व्लॉग में मैं ले रही, तो बुआ कह रही है पहले मुझे तैयार होने दे। क्यों भाई बुआ तैयार ऐसे थोड़ी, हम गंदे दिखाते हैं अपने आप को, बहुत लोग देखते हैं ना फिर कहेंगे बुड्ढी जी बुआ है। देख आप करते हैं हां बुड्ढी बुआ मसीरे नहीं देती डर दे मारे ओ ऑक्सीजन नहीं दो ना नहीं दो मैं हो चुके हूं। ये दादी तो हीरोइन बन के आई हुई थी पर अब बाल बांध लिए, बाल बांध लिए हमने, हमारी दादी तो सही दिख रही थी फिर ये बुआ को उड़ गई दादी के हाथ उड़ गया। और ये यहाँ पर सोने में लगा हुआ है गोदी में है, और गोदी में नींद आती है इसको, वैसे नींद ही नहीं आती है हर दो मिनट में हो जाता है वो हमारी परदादी निपटा दी है। अभी एक बुआ दो बुआ मिसिंग है हमारी यहाँ पे, दो बुआ बैठी हैं, एक बीच वाली नहीं सबसे बड़ी से छोटी वाली और एक सबसे छोटी से बड़ी वाली, सबसे छोटी एक बड़ी वाली बुआ और एक सबसे छोटी, दो मिसिंग है एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी, एक सबसे बीच वाला मटेरियल बैठा है, हमारा भाई भी तो नहीं है ना यार, वो भी बीच वाला मटेरियल है, बीच वाला मटेरियल राजू का अंश तो है ना, वाइफ है तो राजू ने सच क्यों नहीं है, राजू नहीं है मैं भाभी का मतलब ये कह रही हूँ, मतलब राजू की अर्धांगिनी बैठी है, राजू का आधा भाग तो हमारे पास बैठा है ये कह रही हूँ, आधा भाग नहीं बैठी आधा भाग ये भाग, अभी उसको राजू को भी बुला ले, बेटर हाफ बेटर हाफ। हाँ जी कम्बोला डालो, सब पैसे डालो सबसे पहले कमला बुआ के, लो जी वीडियो बनाते हैं कमला बुआ ने दिया पैसे नहीं दिए, अच्छा दे दिए चलो ठीक है आपकी टिकट ला तू भी ला, आप ला रहे हो ना मेरा तो, चलो मैं लाती हूँ, जाओ दादी के भी ले लो ठीक है, और सिक्स लाइन लिख दो, सिक्स लाइन मेजर मेजर माइनर पचास पचास बताऊंगी, मेजर माइनर पचास पचास का ये अंशु मेजर, ध्यान रखना दादी ये देख बेटे सारे लपेटने आपने, मेजर माइनर दो है पचास पचास का, अब टोटल करियो कितने हो गए 300 और 300, 600, 800 गाइस हमारे एक और पार्टिसिपेंट है वो नीचे ब्रॉडर है, वीडियो कॉल में बुआ और ये मेरा बुका जय कपोला, दादी कर ली वन हो गया
सिंगल नंबर वन हो गए मेरे अर्ली सेवन एक ही पर्ची में हाँ एक ही पर्ची में ये ऊपर वाली में हाँ नंबर बोलो चेक करो राजू वन सिक्स ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवन सिक्सटी सेवेंटी सेवन एट्टी मेजर माइनर भी ध्यान रखना मेजर माइनर और कॉर्नर सेकेंड लाइन मेरी कमला बुआ की धड़कने तेज होती हुई मेरे कैब के पैसे चले गए मेरे कैब के पैसे चले गए डबल टू ट्वेंटी टॉप लाइन हो गई अरे यार अरे नहीं नहीं कैंसिल है कैंसिल बोगी पर्ची कैंसिल अरे पर्ची कैंसिल एक फाइन लगता है नहीं हुआ मैं तो बोली माफ करो ना चार चार पर्ची थर्ड लाइन भाई हो गई लिखो 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 सिक्स लाइन हो गई रोनन की कमला दीदी पच्चीस अच्छा क्या रो तू तो जीत रहा है रो क्यों रहा है अरे एट्टी भी तो कटा हुआ आपने एट्टी क्यों नहीं काटा मैं काट दिया है मगर हो मैं वही तो बोल रहा हूँ हो गई है मानी नहीं तो दे दो ना क्या हो गया क्यों अरे चार पच्ची वाले क्यों नहीं करता क्यों नहीं करते कौन दादी की थर्ड लाइन होगी भाई थर्ड लाइन थर्ड हो चुकी है अगली पच्ची आना ये तो हो चुकी है थ्री फोर थर्टी फोर दादी का माइनर हो गया भाई माइनर दादी का माइनर हो गया दादी और मेरी टॉप लाइन होगी भाई दादी और मेरी फर्स्ट लाइन हो गई है पहले नहीं अभी दादी और मेरी होगी भाई अरे दादी का हाउस भी तो हो गया है ऊपर वाली पड़ा है गाइज ये ना लक्ष्य इसको ऐसे करते रहते हमेशा बार बार और वो इतना एंजॉय करते सिर्फ खेलता है लिटरली ये देखो देखो सर आपने फेशियल एंजॉय किया अपना हाउ वाज योर फेशियल देख रहे हो ये हमारा नाइट रूटीन है एवरी डे सर वेयर इज माय टिप वेयर इज माय टिप इतना एंजॉय करता हूँ वाइफ के साथ खेल के ये ऐसे खेलता रहता है नाइट सूट चेंज करते हैं और इन दोनों का ये आधा घंटा यही सेशन चलता है
He enjoys, yaar. So guys, we hope that you liked our vlog. मैं इतनी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ because Ronan अभी मेरे साथ खेल के सो गया है. And please यार सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स भी देखने हैं और आपको हमारे सारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. और आपको अगर और ऐसे ही रोनन से रिलेटेड व्लॉग्स देखने हैं तो कमेंट्स में बताओ क्या क्या यू वांट टू नो अबाउट रोनन. या आप हमें भी आइडियाज दे सकते हो किस टाइप के व्लॉग्स हम आगे बना सकते हैं. इसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. लाल बटन दबाना मत भूलना. बाय गाइज.